अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर गुरबानी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आपको बताते चलूँ कि रमीज़ हसन राजा को कमेंट्री पैनल से आउट कर दिया गया। एशिया कप का जो कमेंट्री पैनल है उसके लिए रमीज़ हसन राजा को दोस्तों आउट किया गया है, और इस उसमें चार पाकिस्तानी जो कमेंटेटर हैं उनको भी शामिल किया गया। लेकिन सबसे बड़ी रीज़न, बड़ी जो बात है वो ये है कि रमीज़ हसन राजा को आपने क्यों आउट किया है, तो ये चीज़ अब समझ में आने वाली नहीं है कि रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान के जो क्रिकेट कमेंट्री है उसमें एक बहुत बड़ा और जाना पहचाना नाम है, तो आप उनको आउट कैसे कर सकते हैं और क्यों आपने ये हरकत की है इस तरह की कि आपने रमीज़ राजा को आउट कर दिया है, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है। और दूसरी बात ये कि चंद दिन कबल रमीज़ हसन राजा ने थोड़ी सी कुछ ऐसी बात भी की थी, जब चेयरमैन वो पी सी बी थे तो उनके बी सी सी आई के साथ कुछ ताल्लुक ठीक नहीं थे और कुछ जो वजूहत थी उस पर भी रमीज़ हसन राजा ने थोड़ा सा बोला था, और ये वजह कि उनको इस वक्त स्टार स्पोर्ट्स का जो नेटवर्क है उन्होंने कमेंट्री पैनल से उनको आउट कर दिया, क्योंकि राइट्स उन्हीं के पास होते हैं, तो अब इसी वजह से उन्होंने ये सारी मतलब नीच हरकत की है उन्होंने। देखिए, अब रमीज़ हसन राजा को आउट करने का आपका क्या तुक बनता है? सबसे बड़ी तो ये रीज़न है, यही बात है कि आप उनको आउट नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात कर लेते हैं T20 में इंडिया की जानिब से 19वें और 20वें ओवर में आखिरी जो दो ओवर से 19वां और 20वां ओवर होता है T20 क्रिकेट में, तो उसमें सबसे जो ज़्यादा इकॉनमी रेट है वो किस बॉलर का है, तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। एक शर्मनाक ये रिकॉर्ड माना जाएगा, रिकॉर्ड माना जाएगा, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है अर्शदीप सिंह के नाम है, और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अर्शदीप सिंह ही मोस्टली इनकी जानब से 19वां या 20वां ओवर करते हैं, और हाल ही में उन्होंने पिछला ओवर भी पिछले जो मुकाबला खेला गया आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने भी आखिरी ओवर वहाँ पे भी उन्होंने किया और 22 रन दिए आखिरी ओवर में। तो उसके बाद अब अर्शदीप सिंह का जो इकानवी रेट है वो 12.73 है, बारिश अरिया 7.3 उनका इकानवी रेट है, भुवनेश्वर कुमार के इकानवी रेट की बात की जाए 10.16 है दोस्तों, और उसके बाद आशीष नेहरा जो कि काफ़ी अरसे से रिटायर हो चुके हैं उनका 10.07 है, तो ये टॉप थ्री पे इस वक्त मौजूद हैं और इनका जो इकानवी रेट है बहुत ही ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में इनकी हमारी सोच से भी ज़्यादा इनका इकानवी रेट है, और जो कि क्रिकेट में ऐसा होना नहीं चाहिए। और खैर, जब आप एक बड़ा नाम बनाते हैं तो आपको फिर आखिर में जाकर रन्स बढ़ भी जाते हैं, और उसके बाद अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मज़ीद देखो और कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो कि स्टार स्पोर्ट्स की टीम ने एक बार फिर किया दोस्तों। आकाश चोपड़ा इस बार एशिया कप और वर्ल्ड कप में हिंदी कमेंट्री हमें करते हुए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हमें सुनाई नहीं देंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि इंग्लिश कमेंट्री के लिए भी वो अवेलेबल नहीं होंगे और इंग्लिश कमेंट्री भी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक और जुहाड़ जो दोस्तों इस वक्त लगाया जा रहा है, और आकाश चोपड़ा को भी इस बार कमेंट्री पैनल से आउट कर दिया गया है, तो ये कुछ इस वक्त आकाश चोपड़ा के साथ भी अच्छा नहीं हुआ और रमीज़ हसन राजा के साथ भी इस वक्त अभी तक अच्छा नहीं हुआ है दोस्तों। और उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की जो सीरीज़ है उसकी टिकट्स की बात कर लेते हैं, टिकट्स जो प्राइस है वो कितनी होगी दोस्तों, उसके बारे में भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। तो आपको बताना चलो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, आप अगर मैच देखना चाहते हैं श्रीलंका में जाके, अगर ये मुकाबला दोस्तों देखना चाहते हैं तो आपको आपके लिए कोई टिकट नहीं है दोस्तों, फ्री में आप जा सकते हैं, और ये ऐलान किया है अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है ACB ने, ये ऐलान किया कि आप टिकट फ्री एंट्री आपको मैसर होगी वहाँ पे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में अगर आप श्रीलंका में हैं और श्रीलंका से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान जो मैचेस हैं उसको एंजॉय करना चाहिए, जितने ज़्यादा क्राउड होते हैं उतना ज़्यादा प्लेयर्स एनर्जेटिक होते हैं, उनको भी मज़ा आता है कि वो कुछ मैच देख रहे हैं और प्लेयर्स मैच खेल रहे हैं, और जब खाली क्राउड में अगर मुकाबला होते उसका उतना ज़्यादा वर्थ नहीं होती, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता। तो अब देखते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान वर्सेज़ अफगानिस्तान सीरीज सबसे चंद ही दिन के बाद 22 तारीख को पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेज़ अफगानिस्तान का, तो उस मुकाबले को दोस्तों कौन सी टीम जीतने में कामयाब हो गई, तो ये भी अभी तक दोस्तों देखने वाली बात है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं एक और बड़ा टॉपिक, AB डिविलियर जो कि दुनिया क्रिकेट में मिस्टर 360 जिनको माना जाते हैं, और उन्होंने अपनी जो टॉप फोर टीम्स हैं वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने रिवील किया है कि ये टॉप फोर टीम्स सेमीफाइनलिस्ट्स होंगी। उसमें उन्होंने कुछ बड़ी चेंजेस की हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया की जो टीमें हैं
ये टॉप फोर टीम्स होंगी वर्ल्ड कप के लिए, और देख रही है कि अब क्या ये टॉप फोर टीम्स होंगी या नहीं, क्योंकि इस वक्त देखें जो मैं जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ, और काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो शाकिन क्रिकेट है उन्होंने भी इस बारे में बात की है कि आप इस वक्त की नंबर टू जो टीम है उसको आप आउट करें और उनसे नीचे नीचे वाली जो टीम्स हैं उनको आप आगे लेके आ रहे हैं, तो फिर ये मुझे नहीं लगता ये तुक समझ आने वाली। और सबसे जो बड़ी बात है, इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, वो इस वजह से भी हैं कि एक प्लेयर हमारा पांचवें नंबर पे मौजूद है, पांचवें से छठे नंबर पे बॉलर हमारा मौजूद है, एक बॉलर। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि टॉप फोर में आईसीसी ओडीआई जो रैंकिंग है उसमें टॉप फोर पे इस वक्त पाकिस्तान के तीन प्लेयर्स मौजूद हैं। तो एक होता है तो एक अलग बात होती है, दो होते हैं तो भी थोड़ा सा मतलब कम में नजर आता है, लेकिन टॉप फोर में हमारे पास तीन प्लेयर्स मौजूद हैं। तो जब आप टॉप फोर के आपके और वो तीनों के तीनों बल्लेबाज इस वक्त इस स्क्वाड का भी हिस्सा हैं और मुस्तकिल मिजाजी के साथ रन्स भी करती हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, अच्छा भी करते हैं, तो उनके होते हुए पाकिस्तान की टीम को इस तरह से मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। खैर, पाकिस्तान की टीम को किसी भी तरह से आप आउट नहीं कर सकते। और खैर, आपने भी हमें बताना है कि आपकी टॉप फोर टीम्स कौन सी हैं। मैं आपने बता देता हूँ आपको, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया मेरे ख्याल में टॉप फोर हो सकती हैं, जबकि मे बी इंडिया की टीम के ऊपर प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो। और खैर, अब आप दोस्त बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि टॉप फोर जो टीम्स हैं वो कौन सी होनी चाहिए। एबी डिविलियर्स का हमेशा ही रुख इंडिया की जानब होता है, हमें पता है इस चीज़ का, क्योंकि आईपीएल से उनको काफ़ी अर्निंग मिलती है, तो जब आपको अर्निंग ज़्यादा मिल रही हो कहीं से भी आईपीएल से, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट आप बोलते हैं तो फिर आपको इंडिया से पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब देखते हैं कि इस बार अब के यहाँ पर नेक्स्ट जो एशिया कप आने वाला है दोस्तों, उसके बाद अब वर्ल्ड कप आएगा, तो वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो टीमें हैं, क्या ये टॉप फोर यानी कि सेमीफाइनलिस्ट ये टीम होंगी या फिर कोई और आ जाती है टीम, तो ये अभी तक दोस्तों देखने वाली बात होगी। और आप सभी दोस्त भी हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या बाबर यहाँ पर अब बाबर आजम इस वक्त इस ये जो अब एशिया कप आ रहा है उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, सबसे जो बड़ा वर्ल्ड कप है 2023 में आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उसमें जो टॉप थ्री के हमारे प्लेयर्स हैं जिसमें बाबर आजम है, उसके बाद इमाम उल हक हैं और इमाम के साथ फ़खर जमान, तो ये तीनों इस वक्त मौजूद हैं टीम के साथ। और क्या ये तीनों प्लेयर्स हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे सकते हैं कि नहीं, क्या इनकी जो परफॉर्मेंस होगी दोस्तों वो एक बढ़िया और ज़बरदस्त हो सकती है कि नहीं, तो इस बारे में आप दोस्तों ने हमें लाजमी तौर पर कमेंट करने। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के एक लेग स्पिनर और पाकिस्तान के एक मेरे घर में हीरा था लेकिन उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस्मान कादिर की। उस्मान कादिर के बारे में बताता चलूँ आपको कि उस्मान कादिर इस वक्त क्रिकेट से काफ़ी दिल बर्दाश्ता में दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बाबर से दोस्ती मुझे हमेशा से ही महंगी पड़ी है और कभी भी बाबर से जो दोस्ती है उनके लिए फ़ायदेमंद कभी भी साबित नहीं हुई है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर हम देखते हैं तो जब भी उस्मान कादिर को टीम में लाया जाता है तो सबसे पहले यही आवाज़ होती है कि ये बाबर का दोस्त है, इसी वजह से इसको टीम में लाए गए। और याद रखिएगा, इनका जो रिश्ता है वो उमर अकमल के ब्रादर इन ला हैं, तो और उमर अकमल और बाबर आजम की आपस में एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, तो बनती नहीं से मुराद ये कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी और बाबर आजम ने उनको टीम से आउट कर दिया। तो जब आप टीम से आउट होते हैं तो फिर आपकी एक दूसरे के साथ बनती होती नहीं है। तो यहाँ पर इस वक्त अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उसके बाद उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मिसबा मुझे टीम में जो लाने वाले बंदा है वो मिसबाह उल हक हैं, बाबर आजम मुझे टीम में नहीं लाए थे, बल्कि बाबर आजम की वजह से मेरा जो कैरियर है वो तबाह हो रहा है, बल्कि मिसबाह उल हक ही मेरे मोहसिन के तौर पे हैं और वही मुझे टीम में लाए थे, तो जब लाने वाले मिसबाह उल हक हैं तो वो कह रहे हैं कि इसी वजह से अब मुझे सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है कि मैं बाबर का दोस्त हूँ। और इमाम उल हक पे सबसे ज़्यादा यही तनकीद हुई कि इमाम उल हक इंजमाम उल हक के भतीजे हैं और इसी वजह से उनको टीम में लाया गया था,
और जब ये स्टार्ट इन्होंने लिया था तो उस वक्त इनको पर्ची के नाम से याद किया जाता था, लेकिन आज यही पर्ची पाकिस्तान के लिए इतनी खुल के सामने आई है, इतना अच्छा पर्ची कामयाब साबित हुई है कि वो इस वक्त टॉप फोर में ICC ODI रैंकिंग में टॉप फोर पे नंबर चार पे मौजूद हैं। तो अगर ऐसी हमें तीन चार पर्चियाँ और मिल जाती हैं जो कि टॉप फोर में, टॉप थ्री, टॉप टू, टॉप वन, टॉप फोर तक पाकिस्तान के चारों प्लेयर्स हों, या टॉप फाइव तक पाकिस्तान के चारों प्लेयर्स हों, सॉरी पांचों प्लेयर्स हों, तो इस तरह की पर्चियाँ हमारे लिए काबिले कबूल होंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट स्टूडियो यूट्यूब।